जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। दोस्तों, यह कहानी एक पिता के त्याग की है जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने माता पिता से प्रेम तो करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यह कहते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। परंतु ऐसा कहना क्या उचित है? हमें विश्वास है कि आपका मन कभी भी अपने माता पिता को गलत कहने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि अपने बच्चों के लिए माता पिता अपनी सारी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जिस कहानी में आप जानेंगे कि आपके पिता आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितने मुश्किलों का सामना करते हैं। परंतु दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनिएगा और यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक परिवार में तीन लोग थे, पति पत्नी एवं उनका पुत्र। वह ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण व बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। एक दिन की बात है, जब उस बेटे की माँ भोजन की थाली तैयार करके अपने पुत्र को खाना खाने के लिए देती है तो वह बिना खाए ही उठकर जाने लगता है। तब माँ बड़े प्यार से कहती है, बेटा खाना खा लो, तुमने कल भी खाना नहीं खाया था। इस पर वह लड़का अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, मैंने पिताजी से 12वीं परीक्षा के बाद एक पुरानी मोटरसाइकिल मांगी थी, पापा भी बोले थे कि जरूर दूंगा, आज हमारा अंतिम पेपर है, आज पिताजी से कह देना जब मैं पेपर देकर आऊं तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी मिलनी चाहिए। हमारे दोस्त के पास एक पुरानी बाइक है, मुझे वह बाइक आज ही चाहिए, अगर पिताजी पैसे लेकर वहां नहीं आते तो मैं घर नहीं आऊँगा। दोस्तों, अब बेटे की जिद और गरीब माँ की लाचारी आमने सामने थी। माँ अपने बेटे से कहती है कि तेरे पापा तुझे बाइक खरीद कर देने ही वाले थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर वह लड़का कहने लगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। ऐसा बोलकर वह लड़का घर से बाहर चला गया। वह परीक्षा हाल में पहुँचा, उसने अपने मन में यह गांठ बांध लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, अगर हमें बाइक नहीं मिली तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। परीक्षा हाल में प्रश्न वाले पेपर बांटे गए जिनमें 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए सभी को एक समान 1 घंटे का समय दिया गया। पेपर में पहला प्रश्न छपा था कि आपके घर में आपके पिताजी एवं माताजी कितने घंटे काम करते हैं और आप कितने घंटे काम करते हैं, विस्तार से बताइए। अब वह लड़का तुरंत जवाब लिखना प्रारंभ कर देता है। वह लिखता है कि पापा सुबह टिफिन और रिक्शा लेकर घर से चले जाते हैं और रात्रि के 9 बजे वापस घर आते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो पिताजी लगभग 15 घंटे काम करते हैं और माँ भी सुबह 4 बजे उठकर पापा के लिए टिफिन तैयार करती है, इसके बाद घर का काम करती है और जो समय बचता है उसमें सिलाई करती है, और जब सब लोग खा पी कर सो जाते हैं तब सबसे बाद में माँ सोती है। इसी तरह हमारी माँ भी लगभग 16 घंटे प्रतिदिन काम करती है और मैं लगभग 6 बजे सोकर उठता हूँ, इसके बाद स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ और फिर रात में 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। इस तरह लगभग मैं भी 10 घंटे व्यस्त रहता हूँ। पहले प्रश्न का जवाब लिखने के बाद वह लड़का दूसरे सवाल को देखता है जिसमें लिखा था, आपके घर में मासिक आमदनी कितनी है, विस्तार से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर भी वह लड़का लिखना प्रारंभ करता है, मेरे पिताजी की महीने में कमाई लगभग 10,000 है और मेरी माँ भी सिलाई करके लगभग 5,000 रुपये तक इकट्ठा कर लेती है, इस तरह महीने की आमदनी लगभग 15,000 रुपये हुई। तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा था, मोबाइल खर्च, आपके मनपसंद 3 TV सीरियल, शहर के एक सिनेमा घर का नाम
और उस सिनेमा घर में चल रही मूवी का नाम बताओ। यह प्रश्न बहुत सरल था, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर भी लड़के ने बहुत जल्दी लिख डाला। अब था प्रश्न नंबर 4, जिसमें लिखा था 1 किलो आलू और टमाटर की कीमत क्या है, 1 किलो आटा, चावल और तेल की कीमत क्या है, और किस आटा चक्की में गेहूं पिसाने जाते हो, उसका पता लिखिए। दोस्तों, उस लड़के को इस प्रश्न का जवाब पता नहीं था, क्योंकि वह लड़का घर का कोई काम नहीं करता था, इसीलिए दैनिक जरूरत की चीज़ों का उसे कोई ज्ञान नहीं था। अब उसे याद आने लगा कि हमारी माँ जब भी कोई काम बताती थी तो मैं मना कर देता था। अब उस लड़के को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि मोबाइल रिचार्ज, मूवी की जानकारी हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं, हमें घर के कामों का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। 5वां प्रश्न, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी गुस्सा करते हो क्या, इसके बारे में बताइए। उस लड़के ने जवाब में लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई और सब्जी पसंद नहीं है। अगर मेरी माँ कोई और सब्जी बना देती है तो मैं बिना खाना खाए ही उठकर चला जाता हूँ। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए उस लड़के को याद आने लगा कि आलू की सब्जी से तो माँ के पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए माँ को सब्जी में अजवाइन डालकर खाना पड़ता है। एक दिन धोखे से मैंने भी माँ की सब्जी खा लिया था, जो बहुत कड़वी लग रही थी। तब मैंने अपने माँ से पूछा था, तुम इतनी कड़वी सब्जी क्यों खाती हो, तो माँ ने कहा था, हमारे घर की स्थिति इस तरह नहीं है कि दो प्रकार की सब्जी बनाकर खा सके, तुम्हारे जिद के कारण खाना पड़ता है। दोस्तों, यह सोचने के बाद वह लड़का अगले प्रश्न को देखता है, जिस प्रश्न में लिखा था आप अपने आखिरी जिद के बारे में लिखो। वह लड़का जवाब में लिखता है कि मैंने परीक्षा समाप्त होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक मिल जाए ऐसी जिद की थी, परंतु पापा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिए। माँ ने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं जिद करता रहा, और यहाँ तक कि हमने 2 दिन से घर में खाना भी नहीं खाया, और मेरा प्रण है जब तक मुझे बाइक नहीं मिल जाती मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आज मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगा, माँ से ऐसा बोल कर आया हूँ। इस प्रश्न का जवाब देने के बाद वह लड़का अगले प्रश्न को देखता है, जिसमें लिखा था आपको मिलने वाले पैसे का आप क्या करते हैं। इस पर वह लड़का जवाब में लिखता है कि हमारे पिताजी हमें हर महीने 100 रुपये देते हैं, जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टी कर लेता हूँ। अब था प्रश्न नंबर 8, जिसमें लिखा था क्या आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं। यह प्रश्न थोड़ा अटपटा तो था, परंतु फिर भी उस लड़के ने जवाब लिखना शुरू कर दिया। परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए और समझदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करना चाहिए, इस तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस प्रश्न का जवाब लिखते समय उस लड़के के अंतरात्मा से आवाज़ आती है, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, तो उस लड़के के अंतरात्मा से ही जवाब आता है, नहीं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, क्या आपके परीक्षा परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं, क्या वह आपके अच्छे परिणाम लाने के लिए जिद करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे अपने परिवार की भूमिका का एहसास हो गया था। अब उस लड़के ने प्रश्न का जवाब लिखना प्रारंभ किया, मैं तो आज तक अपने माता पिता को अच्छे परिणाम नहीं दे सका, परंतु फिर भी अच्छे परिणाम के लिए कभी भी हमारे माता पिता ने जिद नहीं किए। मैंने कई बार अच्छे परिणाम लाने के लिए वादे भी किए, लेकिन वादा पूरा ना होने के बाद भी थोड़ी सी ही डांट मिली, फिर उसी तरह का प्रेम बना रहा। प्रश्न नंबर 10वां था, परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद छुट्टियों के दिनों में आप अपने परिवार के लोगों की कैसी मदद करेंगे। दोस्तों, जवाब में वह लड़का कुछ लिखता कि उसके पहले ही उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, वह अपनी जगह पर ही बैठकर रोने लगा, और 10वें प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही वह पेपर कॉपी जमा कर दिया और परीक्षा हाल से बाहर आ गया। विद्यालय के बाहर अपने पिताजी के मित्र को देखकर उनके तरफ दौड़ पड़ा,
जैसे ही वह अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा, बेटा ये लो तुम्हारे 8,000 रुपये, तुम्हारी माँ ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। यह सुनकर वह लड़का कहता है, यह पैसा कहाँ से लेकर आए हैं? तब उस लड़के के पिता के मित्र ने कहा कि तुम्हारी माँ ने यह पैसे मुझसे उधार लिए हैं और तुम्हारे पापा जी ने दवाई के लिए रखे पैसे भी दे दिए हैं, अब तुम्हारे बाइक के लिए पैसे की व्यवस्था हो गई है। दोस्तों, उस लड़के की आँखें पैसों पर स्थिर हो चुकी थी। इसके बाद पिताजी के मित्र फिर से कहते हैं, बेटा तुम अपनी माँ से बोल कर आए थे कि तुम्हारे पिताजी ने बाइक नहीं दी तो तुम लौट कर नहीं आओगे। बेटा तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। हमारे भी बहुत से शौक हैं, परंतु मैं अपने शौक से ज़्यादा अपने परिवार को महत्व देता हूँ। तुम अपने परिवार के लाडले हो, इसलिए तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी वह रोज़ रिक्शा चलाने जाते हैं ताकि वह तुम्हें बाइक दिलाने का वादा पूरा कर सके, परंतु तुमने भी तो अनेकों बार अपने वादों को तोड़े हैं ना। दोस्तों, इतना कहकर वह लड़के के हाथ में पैसा देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय उस लड़के का मित्र वहाँ पर अपनी बाइक लेकर आ जाता है और कहने लगता है, हमें इस बाइक के 12,000 रुपये मिल रहे थे, परंतु तुम्हारे लिए इस बाइक को 8,000 रुपये में दे रहा हूँ। दोस्तों, अब वह लड़का बाइक की ओर एक टक देखता है और थोड़ी देर बाद कहता है, मेरे दोस्त यह बाइक उसे ही दे देना जो 12,000 रुपये दे रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई और ऐसा लग रहा है कि अभी व्यवस्था हो भी नहीं पाएगी। यह कहकर वह लड़का अपने शिक्षक के केबिन में पहुंच जाता है, तो शिक्षक ने कहा, बेटा कैसा रहा पेपर, किस तरह से लिखे हो? यह सुनकर वह लड़का कहता है, यह कोई पेपर नहीं था, यह तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। मैंने एक प्रश्न का जवाब नहीं लिखा है, क्योंकि उसका जवाब लिख कर नहीं बल्कि करके दूंगा। इतना कहकर वह लड़का अपने शिक्षक के चरण स्पर्श करता है और घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचते ही उस लड़के ने देखा कि माता और पिता उसकी राह देख रहे हैं, और घर पहुंचते ही माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारी बाइक कहाँ है? तब उस लड़के ने अपने माँ के हाथों में वह पैसा देते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब हमें कोई बाइक मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, पापा हमें आप रिक्शे की चाबी दे दो, आज से मैं सारी छुट्टियों में रिक्शा चलाऊंगा, आप तब तक आराम करेंगे, और माँ आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसीलिए आज आप अपनी पसंद की सब्जी लेकर आना और जब मैं लौट कर आऊँगा तो साथ में मिलकर खाना खाऊँगा। दोस्तों, अपने बेटे के परिवर्तन को देखकर उनके माता पिता ने उसे गले से लगा लिए, बेटा तुम जो सुबह कहकर गए थे वह बात मैंने तुम्हारे पापा से कही थी, जिससे तुम्हारे पापा दुखी होकर काम को छोड़कर वापस आ गए हैं। मुझे भले ही पेट में दर्द क्यों ना हो, परंतु आज मैं तुम्हारे पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने कहा, नहीं माँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरी परिवार के प्रति क्या भूमिका है, मैं तो आज आपके पसंद की ही सब्जी खाऊंगा। परीक्षा में जिस प्रश्न का जवाब हमने नहीं लिखा, हमें अपने जीवन में उसे करके दिखाना है। और हाँ माँ, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं उसका पता भी हमें बता दो। उसी समय उस लड़के के शिक्षक वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, वाह बेटे वाह, जो सवाल तुमने लिख कर नहीं दिया वह अपने जीवन में करके दिखाओगे। वह लड़का अपने शिक्षक को घर पर देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, सर आप यहाँ? शिक्षक ने कहा, मुझसे मिलकर तुम चले गए थे, इसके बाद मैंने तुम्हारे जवाबों को पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे घर की तरफ चल पड़ा। मैं बाहर खड़ा होकर बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए हुए परिवर्तनों को सुना। रहा था। मेरे परीक्षा लेने का उद्देश्य सफल रहा और इस परीक्षा में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते हुए शिक्षक ने सिर पर हाथ रख दिए और आशीर्वाद प्रदान की। अब वह लड़का अपने शिक्षक तथा माता पिता के चरण स्पर्श करके
रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और भी अनेकों ज्ञानवर्धक कहानियाँ ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।